हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड सुबह की राम राम। हमारे यहाँ पर यूपी में बोलते सुबह की राम राम। तो सभी लोगों को आज प्रातः काल, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले अपने फरवरी के सारे वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए। गाइस, फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा बजट। क्या उससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं? जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे बजट के, उनके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बुक एंड ऑर्थर, स्पोर्ट्स, जो भी इस पूरे महीने में हमने देखा, फरवरी का जो पिछला महीना गुजरा है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन करने वाले ना, तो गाइज जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनते रहे और आप यहाँ पर रिवीजन को अपने अलग लेवल पर लेकर के जाते रहे, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लोग फरवरी मंथ का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आपने सुबह उठने की आदत डाल दी है सुबह 6 बजे, तो ये आपकी एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनने वाला है। तो अपने जिंदगी में छोटे छोटे से बदलाव करते रहिए, जिससे कि आपकी कामयाबी जब हो तो एक बहुत बड़ी हो। तो अपने जिंदगी में जो लोग सोचते हैं हम सुबह उठ नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो उनके लिए ये थोड़ी सी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज है हमारा 6 मार्च और आज के दिन पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ पर लगाया गया था। कहाँ पर? तारापुर में। तो तारापुर में आज हमारे यहाँ पर पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया था, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, ये ट्रांबे में है। ट्रांबे कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। चलिए, तो ये देखिए टेक्स्ट बुक का लीडर बोर्ड, जहां पर आप जैसे बच्चे जो कि बुरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं उनके नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनके नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हैं, और ये बोर्ड जो है ये और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने टॉपर्स के नाम लिखे। लेकिन अगली बार मैंने वादा किया हुआ है कि आप सभी लोगों के नाम यहाँ पर एक एक करके दिखाई देंगे, जिससे कि ये पूरा बोर्ड अच्छे से भर जाए, सभी लोगों के नाम यहाँ पर अटैच हो जाए, ठीक है। तो गाइज आज जो है ये फरवरी मंथ का रिविजन है, पूरे के पूरे फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो सभी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। गाइज जो हमारे फरवरी मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए, शायद आप लोग उसको याद नहीं कर पाओगे। गाइज इस क्लास की मैं PDF नहीं देने वाला हूँ, और यहाँ पर ही आपको बैठ करके पढ़ना है पूरा का पूरा। जितनी भी चीजें आप यहाँ पर बैठ के लगाइए हमारे साथ, जो कि हमने आपको PDF के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी हुई है। तो आर यू रेडी गाइज? सभी लोग तैयार है? एक बार जय हिंद के साथ बताएंगे कि सर हम तैयार है और यहाँ पर हम लोग ये बनाने वाले हैं। सभी लोग तैयार है भाई? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अनिल। चलिए, तो बहुत सारे लोग जग गए सुबह सुबह। पूरे फरवरी मंथ के हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पर चीजों को करने वाले हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो बुक एंड ऑर्थर हो, चाहे स्पोर्ट्स की खबरें हो, या अलग अलग चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुंदन, मैं इंतजार कर रहा हूँ यार, कम से कम 200 लोग होने चाहिए थे शुरू में, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो रिविजन क्लास में वैसे भी लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ पर मैं बोलता हूँ, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आत जात सत पर सिर पर पड़त निशान। तो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है जब रस्सी बार बार वहां से आती जाती रहती है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन से लेकर के हमारे अपॉइंटमेंट के जितने भी होंगे वहां पर आप लोग जवाब देंगे। तो जल्दी से फटाफट से जो लोग जग गए हैं वो जल्दी से आ जाए, इंतजार हो गई, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर कुछ मेरे यार की, जल्दी से सभी लोग आ जाते हैं। चलिए, तो शुरू करते गाइस। जब तक हमारे बाकी के बच्चे, मुझे लगता है यार पहला क्वेश्चन से जब हम लोग जुड़ते हैं ना और अंतिम तक बनाते हैं तो बड़ा मजा आता है। बस हमें लगता है कि हमने सारे क्वेश्चन बनाए हुए है ना भाई, क्यों सचिन? चलिए तो शुरू करते हैं, और एक बार शुरू हो गए तो फिर हम उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं। तो गाइस शुरू करते एक बार, जब लोग जय हिंद के साथ शुरुआत करेंगे, जय हिंद लिख देते एक बार जल्दी से, जय हिंद लिख दीजिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेन हमने सेलेक्ट करना है। चलिए, तो फरवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? वो यहाँ पर है जेनी हेरोसॉकी, एम्मा टोरेहो, कॉर्लिना रातामांकी या अनीना राजा हुतस। तो यहाँ पर जनता ने जवाब देखे, सबसे पहले जवाब किसका था, यहीं से क्वेश्चन आने वाले। तो यहाँ पर जनता बोलेगी इसका सही उत्तर होना चाहिए, जितने भी जनता बोल रही है सर इसका सही जवाब होना चाहिए, जल्दी से जल्दी फटाफट जवाब पहले क्वेश्चन का। तो एमा तेरा हाथो की तरफ जनता जा रही है, एमा तेरहाओ यहाँ पर देखते हैं जितने लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, एमा तेरहाओ को यहाँ पर बनाया गया है ना। हमारे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हमारी अध्यक्षता है 2023 में हमारे भारत को दी गई है, इंडिया को दिया गया है,
ये भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के हमारे सीईओ कौन बनाए गए, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ अभिषेक, ओम प्रकाश, उदित सिंह है या अरुण गोयल है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर लगा दिया गया है, जल्दी से जनता जवाब देगी। तो यहाँ पर गुरुकुल का मानना है, सबसे पहले जवाब देखे कौन देता है, इरफान क्या फिर से जवाब सबसे पहले देगा या मनोज यहाँ पे जवाब देने वाला है, प्रशांता। तो यहाँ पर जनता बोली है सर इस प्रश्न का जवाब होना चाहिए अनिमेश ने, एक नंबर बताया हुआ है, नितेश एक नंबर, अनिल को लग रहा है कि सर हमारे एएस होना चाहिए, मतलब अभिषेक जी का अभिषेक हुआ था हमारे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में। यहाँ पर मैं एक नंबर के ऊपर टिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर डिश टीवी इंडिया के हमारे D2H के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनाए गए, ऋषभ पंत है, स्मृति मानधाना है, मिताली राज है या कोहली है, क्या होना चाहिए दोस्तों सही जवाब। तो अभी मैच चल रहा है, हम लोगों का एक टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें ये भाई साहब बड़ा अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं। तो जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर इस प्रश्न का जो सही जवाब है, हमारे जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दिसंबर के महीने में, वो यहाँ पर D2H के भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो मैं ऋषभ पंत के ऊपर टिक करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, फरवरी 2022 में किसको हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बनाया गया 5 साल के लिए, कृषि कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में आप किसको देखेंगे, अभिनव कांत है, श्रीकांत नागापुल्ली है, गीता मतीना है या अजय सिंह राठौड़ है। जनता आवाज तो किसी को धीमे नहीं आ रही है, यहाँ पर एक नया तरीके का माइक कंप्यूटर जी ने लगाया हुआ है, पीछे मुड़ने पे आवाज धीमे नहीं होती है ना, सब कुछ बढ़िया, एक बार जय हिंद लिख के बता देना। जनता यहाँ पर बोलेगी सर गीता मतीना यहाँ पर होना चाहिए, गीता मतीना के ऊपर टिक करेंगे, नंबर घर लेकर के जाएंगे, नंबर घर लेकर के जाएंगे। बेटा किसकी बनी हुई है, किसान वेलफेयर हमारे विभाग के 5 साल की संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी है। अरे याद रखना बेटा, याद रखना यहीं पे सारी चीजें, बच्चों याद है ना सारा वगीसा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे ना। चलिए अगला अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अगला अपॉइंटमेंट है चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, कौन बनाया गया है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, शायद तुम लोगों को याद होगा पूरा हमने वर्लाइजेशन का पूरा आपको बताया था कि कैसे रबर बनती है। तो यहाँ पर किसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जनता बोले कि सर सबसे ज्यादा रबर हमारे हिंदुस्तान में केरल में होती है ना, और केरल में होती है तो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, तो इंडिया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का, IRSG का हमारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ PM यहाँ पे कौन बने, फुल टाइम मेंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे, जल्दी से जवाब देंगे आप, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए जरा देखते जाइएगा, सभी लोगों को जवाब देना है। जो लोग यहाँ पर रेगुलर 6 बजे आते हैं उनके लिए ये प्रश्नों का समागम बहुत ही आसान लग रहा होगा, 2-4 क्वेश्चन जो उनके ऊपर नीचे हो रहे होंगे वो भी एकदम कील बराबर ठुक जाएगी, हम लोगों ने जो कील ठोकी हुई है ना वो एकदम लगी हुई है, अब उस कील पे हथौड़ा मार रहे हैं कि कोई कील निकल रही थी तो वापस से सही से लग जाए। तो ये 6 बजे रेगुलर क्लास होती है, फरवरी मंथ के जितने भी हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जनता बोली है संजीव सान्याल के ऊपर टिक करना है, संजीव सान्याल हमारे क्या बने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के फुल टाइम मेंबर बन गए बेटा, एक बार सभी लोग इनको बधाइयां दे दें संजीव सान्याल को। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट किसको बनाया गया है, सर ने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ऑफ फॉर द प्लानिंग एंड बिजनेस कौन बने, सुजोय चौधरी है, आशुतोष गुप्ता है, मीटू पटेल है या राजीव सोढ़ी है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया हुआ है, जल्दी से जवाब देना है यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर इंडियन ऑयल आने वाला प्रश्न है, सारे के सारे बेटा आने वाले प्रश्न है, जो लोग भी यहाँ पर CGL की हमारे CHSL की MTS की डिफेंस की पुलिस की किसी की भी तैयारी करे जरूर बनाइएगा प्रश्नों को। जनता बोलिए सुजोय चौधरी, यहाँ पर जितने लोग सुजोय चौधरी बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल देखिए यहाँ पे मैंने सही कर दिया, सुजोय चौधरी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर कौन है हमारे हिंदुस्तान के, देखिए पहली महिला है और मैंने बार बार बोला है कि यहाँ पर पहली महिला जब भी आ जाएगी इंपॉर्टेंट है। तो एक कंपनी का नाम IKEA है, IKEA कंपनी का नाम है, इसकी पहली CEO और CSO कौन है, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे है ओलिविया, यहाँ पे सुजैन है, एलेजिना पेंटन है, चार्लॉट है, तो गाइज यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए सुजैन प्लेवर, तो सुजैन की तरफ टिक करना है, नंबर घर लेकर के जाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। IKEA के जो हमारे कौन CEO और CSO, और सबसे खास बात है ये पहली महिला है,
तो इसके ऊपर बहुत फोकस रहते हैं हमारे एग्जाम वाले। तो पहली महिला हमें यह पिक करना बहुत बढ़िया से है ना, सुजैन हमारे पुल पुरर इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। कोको कोला के जो हमारा एक सॉफ्ट ड्रिंक आती है जिसको तुम लोग बोलते हो थम्स अप, टेस द थंडर, ठीक है, टेस द थंडर जो है, थम्स अप जो है, इसके कौन ब्रांड एंबेसडर है? यहाँ पर जनता ने पिक कर लिया। अरे वाह भाई वाह। यहाँ पर जनता बोली सर खान साहब होना चाहिए, खान साहब। तो खान साहब के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे टिक कर दिया और उसके बाद से आगे बढ़ गए। तो शाहरुख खान साहब यहाँ पे हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बादशाह खान भी इनको हम लोग बोलते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है, एक नंबर है। यहाँ पर है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ EIEG जो है, इसके हमारे चेयरमैन या डायरेक्टर के रूप में कौन चुने गए हैं? देखिएगा भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बेटा हमारी इकोनॉमी कभी घाटे में जा रही है, हमने आपको बताया था ना याद करने का, तो भैया हम क्या करेंगे, घाटे जी के ऊपर टिक कर देंगे। सिंपल सी चीज है, आगे इधर उधर देखना ही नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ घाटे में जा रही है इसलिए घाटे जी को ले आया गया, चेतन घाटे है ना, खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है, घाटे को लगाओ आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे ब्रांड एम्बेसडर कृषि नेटवर्क के फरवरी में कौन बनाए गए? कृषि नेटवर्क के हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? विक्रांत मैसी है, मनोज बाजपेयी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी जी है। तो भैया क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अगर कभी कभी हमको यहाँ पर तुक्का लगाना हो तो लगाया जा सकता है, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में त्रिपाठी जी त्रिपाठियों का परिवार बहुत ज्यादा चर्चा में। टिक करके चले आते हैं, देखा जाएगा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे देश के कृषि मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र तोमर जी जो है वो हमारे देश के कृषि मिनिस्टर है, ये भी हमको याद रखना है। प्रश्नों का बहुत ज्यादा समागम है आज, प्रश्नों का समागम बहुत ज्यादा है, 300-400 प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पर आराम से बनाते चलिएगा, याद भी रखना है चीजों को, है ना, आराम से चीजों को याद भी रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है हमारे इंडिया गो के हमारे जो को फाउंडर थे जिन्होंने रिजाइन दिया है ना, और अपने स्टेक को भी वापस ले रहे हैं, उनका नाम क्या है? देखिए यहाँ पे इंडिगो क्या है, ये एक फ्लाइट जो है ना एयरलाइंस कंपनी है, इसकी फ्लाइटें उड़ती हैं इंडिगो स्पाइस जेट ये। अब इनके जो को फाउंडर है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, भैया अपना देखो तुम लोग, राकेश गंगवाल है, अजय सिंह है, विनोद कनन है या आदित्य घोष है? तो भैया इंडिगो जो एयरलाइंस कंपनी है दोस्तों, इसके जो हमारे जो है रिजाइन देने वाले हैं उनका नाम है हमारे राकेश गंगवाल, है ना। ये सब आप देखिए, जो लोगों को भी ये लग रहा है कि सर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में रोज सवेरे 6 बजे हमने फरवरी के हर एक दिन रोज, चाहे वो हमारे कोई भी इम्पोर्टेंट काम आ गया हो, गला खराब हो, तब भी हमने किया हुआ है। अब इनको रिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है, तो डिटेल में पढ़ना है मार्च महीने के भी, तो 6 बजे प्रातः काल उठिए, टेक्स्ट बुक का जो आपने चैनल जहां पर ये देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कहां पर पीडीएफ मिलेगी, इस क्लास की नहीं हर क्लास की पीडीएफ, तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दूंगा क्लास के अंत में, तो अंत में टिक करके बैटिंग करेंगे, ठीक है भाई सभी लोगों को। तो प्रश्न बहुत ज्यादा है और आप लोगों को रिवीजन करना है, चाहे स्पोर्ट्स, अभी बजट के क्वेश्चन आएंगे जो आने वाले, तो बड़ी शिद्दत से बैठ करके हमारे कंप्यूटर जी ने इनको बनाया हुआ है। तो सबसे पहले कंप्यूटर जी को बधाई देना चाहूंगा, पूरा फरवरी का अलग अलग पोर्शन, भैया बजट का ये है, अपॉइंटमेंट ये है, स्पोर्ट्स ये है, सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्रेस वे में मिल रहा है, ठीक है ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है हमारे यहाँ पर। ब्रॉडबैंड टॉप इंडिया टेनिस प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, वो कौन सा हमारा ब्रांड है जिन्होंने मोनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? देखिए मोनिका बत्रा बहुत सारे सम्मान से सम्मानित है, कौन सा इनमें से है? प्यूमा है, नाइकी है, एडिडास है, एजीओ है। हमने आपको जब ये पढ़ाया था तो हमने अपने बचपन का सपना भी आप लोगों को बताया था, बचपन का प्यार नहीं बचपन का सपना, तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए एडिडास, है ना। बचपन में हम सोचे थे कि हमारे पास भी एडिडास के जूते होने चाहिए, है ना, हमारे दोस्त के पास हुआ करते थे, तो ये बचपन का सपना जो है वो हमारे मोनिका बत्रा जी नहीं है यार, मोनिका बत्रा जी उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बीन फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट, जब भी यहाँ पर पहला आ जाता है ना तो इनकी निगाहें पड़ जाती है, एसएससी वालों की, पुलिस वालों की, डिफेंस वालों की, सबकी निगाहें पड़ जाती है कि भैया फर्स्ट देखो क्या ये क्वेश्चन क्या है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया? भैया देखिए हमारे यहाँ पर 26/11 का जब अटैक हुआ था तो घुस रहे थे आतंकवादी, किससे? समुद्र के रास्ते से घुसे थे, ताज होटल पे हमला किए, ओबराय पर हमला किए थे हमारे, उसके बाद से जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे चले गए। अभी आपको बताना है कि कौन बनाया गया कि ये घुसी ना पाए, ये जो है हमारे आतंकवादी है ये घुसी ना पाए। यहाँ पर जनता बोल रही है सर जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार के ऊपर टिक कर दिया जाए। भैया जनता बोले जी अशोक कुमार के ऊपर टिक करिए, नंबर लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है आगे बढ़ जाना है।
आगे बढ़े भाई, अगर तुम लोग चाहते हो कि सारे प्रश्नों को कराया जाए तो भैया पूरे वीडियो को देखिए, नहीं तो भैया हम आधे प्रश्न कराएंगे और छुट्टी कर देंगे। पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप इसकी पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पूरी डिटेल पीडीएफ रोज की पहुंची हुई है। तो अगर रिविजन करना है पूरा तो टिक के बैटिंग करिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, है ना, टिक के बैटिंग करना पड़ेगा आपको, ये आपके रिविजन क्लास के तौर पर है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया, A23 के ब्रांड एम्बेसडर। अगर आपने फरवरी के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो रिवीजन कर लीजिए बैठ के, लेकिन टिक के खेलोगे तो हमको भी थोड़ा समझ आएगा। यहाँ पे जनता बोली है, सर जिसके बने थे हमारे कौन, जो हमारे जो है थम्सअप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वही यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप लोगों के फेवरेट बादशाह खान मतलब शाहरुख खान यहाँ पे हो जाएगा, थम्सअप और A23 दोनों के शाहरुख खान है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे गीता मित्तल को चेयरपर्सन बनाया गया कौन, हमारे किस कमेटी का, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ये प्रश्न पूछा जाएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे कमेटी के चेयरमैन कौन बनाई गई है, तो गीता मित्तल जी बनाई गई है। ये कहां से संबंधित है, दिल्ली मुंबई अलाहाबाद कर्नाटक हाईकोर्ट। तो जनता बोलेगी सर बढ़िया प्रश्न आपने पूछ दिया है, यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट लेंगे और नंबर लेके भाग जाएंगे। तो गीता मित्तल जी हमारे कहाँ की, हमारे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन बनाई गई। अगला प्रश्न यहाँ पर है, IPS KV राजेंद्रनाथ रेड्डी जो है ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं पुलिस के, नए डायरेक्टर जनरल बने हैं पुलिस के, आपको बताना है ये कौन से राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, तेलंगाना के हैं या कर्नाटक के, जल्दी से जनता जवाब देगी। सही जवाब क्या होना चाहिए, IPS KVR रेड्डी। तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर रेड्डी साहब का नाम सुनकर के हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमने आंध्र प्रदेश के ऊपर टिक कर दिया, है ना। पंजाब के हमारे बने हैं डायरेक्टर जनरल कौन, भावरा साहब, सभी को याद है ना, भावरा साहब PM सुरक्षा मामले में हमारे ये नए बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, गुरुग्राम, देखिए बेटा ये भी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होगा, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, अब बढ़िया से याद आ जाएगा, संयुक्ता परासर है, सुभाषनी शंकरन है, संगीता कालिया है या कला रामचंद्रन है। बेटा बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है ये आपका, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे जनता बोली इसका सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा काला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन यहाँ पे बनाई गई, गुरुग्राम को पहले गुड़गांव बोलते थे, कला रामचंद्रन हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर फिक्की के हमारे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के को चेयर पर्सन कौन बनाए गए, फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोर्ड के को चेयर पर्सन कौन बनाए गए, ज्योति देश पांडे है, ललित नारायण पांडे, दिव्या कुमारी पोखरियाल है, सचिन वाजपेयी है। गाइस इसको याद करने की तरीका हमने कैसे सीखा था कि हमारे ये जो देश पांडे जी हैं वो दुनिया भर में अपना नाम कमाने वाली हैं, तो देश पांडे जी के ऊपर टिक करके हम लोग नंबर लेके चले जाएंगे भैया। तो यहाँ पर इंटरटेनमेंट मीडिया के ब्रांड के हमारे कमेटी के चेयरमैन बनाई गए, किसकी, फिक्की की, उनका नाम है ज्योति देश पांडे। अच्छा एक अगला क्वेश्चन बताइएगा, हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के हमारे कौन बनाए गए हैं प्रेसिडेंट, देवाशीष मित्रा है, अनिकेत सुनील तलाटी है, इलकर अयासी है या विनीत जोशी है। तो बेटा ये सभी के सभी बड़े इंपॉर्टेंट नाम है हमारे, और यहाँ पर जनता बोल रही है कि सर हमारे जो ICAI के हमारे जो बनाए गए हैं प्रेसिडेंट उनका नाम है, बहुत बढ़िया, देवाशीष मित्रा को यहाँ पर बनाया गया। देवाशीष मित्रा जितने लोग बोल रहे हैं उन्हीं बच्चों को केवल नंबर मिलेगा, बाकी के सब लोग थोड़ा सा याद करेंगे इनको नहीं। आयकर एलियासी टाटा के शायद हमारे चेयरमैन बनाए गए, तो वो आगे हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाया गया, अब लोग आ गया तुम्हारा वाला जो तुम लोग बोल रहे थे, यहाँ पर एन चंद्रशेखरन है, नेस वाडिया है, साइरस मिस्त्री है या आयकर एलियासी है। तो एयर इंडिया के MD, एयर इंडिया जो है किसने खरीद लिया, टाटा ने इसको अधिग्रहित कर लिया, आप सभी को पता है। और यहाँ के जो हमारे अब बनाए गए MD, बेटा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन, तो वो बन गए कौन बेटा, यहाँ पर आयकर एलियासी जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या टिक करना है, पीछे वाले में हमारे ICAI के देवाशीष मित्रा है और यहाँ पर हमारे इलकर अयासी। कहाँ पर हमारी गलतियां हो रही थी, सभी ने सीख लिया है, कील को ठोको दीवार में, अच्छे से कील को दीवार में ठोक दो, गलती नहीं करनी एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लेते हैं, फरवरी में हम लोगों ने पढ़ा था, कई लोग भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, भूलने की यहाँ पर दवाई दी जा रही है, भूलने की दवाई यहीं पर मिलती है। CBSE के चेयरमैन कौन बने बेटा, CBSE के चेयरमैन फरवरी में कौन बने, आनंद पांडे है, पवन उपाध्याय है, विनीत जोशी है या सतीश गुप्ता जी। काफी शानदार तरीके से जनता इस प्रश्न को यहाँ टैकल करने वाली है, ये मैंने यहाँ पर 3 गोले बना दिए। यहाँ पर जनता बोलेगी सर आपने बताया था कि सर CBSE एक बहुत बड़ा बोर्ड है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और यहाँ पे अगर चेयरमैन बनना है तो हमको जोश के साथ काम करना पड़ेगा,
तो यहाँ पर सर ने विनीत जोशी के ऊपर टिक कर रहे हैं, क्या यहाँ पे टिक कर दे आप लोगों की इजाजत है? विनीत जोशी जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम लोग यहाँ पर 6:30 बजे तक अगर 400 के आंकड़े के आसपास नहीं पहुंचे तो भैया यहाँ पे क्लास को इतने बढ़िया तरीके से फ्रेम करने के लिए पूरे करंट अफेयर्स को अलग अलग पिक करने का कोई तुक नहीं बनता है। तो भैया एक बार दबा करके लाइक और शेयर ठोको, पूरा वीडियो देखो इसका, क्योंकि पीडीएफ नहीं मिलेगा। सोचो कि हम तो पीडीएफ लेके, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी सब पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लोगों को पूरा वीडियो दबा करके देखना है, 6:30 बजे तक 350 बच्चे दिखने चाहिए। तो थोड़ा सा हमारा भी जनून जोश बना रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? जोश हमारा कब बना रहेगा? जब तुम लोग ये वीडियो देखोगे संडे के दिन, पता नहीं तुम लोगों को क्या हो जाता है और इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ भैया बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति के रूप में फरवरी में किसको चुना गया? बेटा जर्मनी की बात हम लोगों ने की थी है ना, और हमने आपको यहीं पे याद करा दिया था। देखिए कितने लोगों को याद है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनर है, एंजेला मर्केल है, रॉबर्ट हैबेक है, या हमारे हेलमुट कोहल है। तो यहाँ पर जनता क्या बोली है? बहुत बढ़िया, यहाँ पर जनता बोली है सही जवाब होना चाहिए फ्रैंक वाल्टर स्टीनर, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक वाल्टर स्टीनर इज राइट आंसर। जितने लोग एक नंबर बोल रहे बढ़िया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहे हैं बिहार के हमारे खादी और हैंडीक्राफ्ट के, कौन है? मनोज तिवारी है, मनोज वाजपेयी है, दिनेश लाल नरहुआ है, या रवि किशन है? ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दिया, अभी आपको जवाब देना है। यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारे बीओआई बिहार के लाला मनोज तिवारी। मनोज तिवारी के ऊपर टिक करना, नंबर देखे मनोज वाजपेयी गलत हो जाएगा, मनोज तिवारी के ऊपर टिक करना। अच्छा एक बात बताइए, हमारे टाटा और सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बनाया गया है? विक्रम देव दत्त है, एन चंद्रशेखर है, नेस वाडिया है, या हमारे साइरस मित्री? सर ने पूछा है टाटा और सन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, काफी ज्यादा कंफ्यूजन जनता को लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है एन चंद्रशेखर है। बेटा एयर इंडिया के याद रखिएगा ऐकर अयासी है, ठीक है ना, और टाटा एंड सन्स के हमारे चेयरमैन कौन है? हमारे एन चंद्रशेखर है। तो बेटा भूलना मत, बेटा भूलना मत, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स लिमिटेड के बोर्ड में किसे अपने कार्यकारी अध्यक्ष के अगले 5 साल के लिए चुना गया है? तो बेटा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वापस से एन चंद्रशेखरन, अभी हम लोगों ने जो किया था वही क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, देखिए गाइस हमारे अगली बार जनवरी में तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने गए थे, और वही क्वेश्चन 2021 में हमारे एसएससी ने सबसे पहले पूछा था। अब यहाँ पर देखिए मद्रास हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस पूछे गए, क्या ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा तुम्हारे एग्जाम में, और उसके बाद से वही ये कर पाएगा जो अच्छे से पढ़ा होगा और रिवीजन कर रहा होगा। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी के ऊपर जाना है, टिक करना है, नंबर लेना है और वापस भाग के चले आना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर याद रखना मुनीश्वर नाथ भंडारी सही जवाब है। 10 फरवरी को देश के शीर्ष संवैधानिक निकाय बर्कियानो फांसो के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया था? पाउल हेनरी हमारे सैडियागो दमिबा है, दैट वाज निकोलस जॉनसन है, सेंडागो कोबारे है, या रोम रोच मार्क क्रिएशन है? जनता क्या बोल रही है? जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए पीएस डेमियागो। तो यहाँ पर दमिबा के ऊपर टिक करना है, ठीक है, सेंटियागो दमिबा के ऊपर टिक करना है। आगे चलते अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइजर इंडिया कंपनी, फाइजर का नाम सबने सुना होगा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, इसके इंडिया कंपनी के अध्यक्ष कौन है बनाए गए? प्रदीप शाह है, आर एस शाह है, सतीश चंद्र गुप्ता है, या सोनी साहब है? तो गाइज मैंने आपको बताया था शाह को रिप्लेस किया शाह ने रिप्लेस किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, प्रदीप शाह इज राइट आंसर। एक नंबर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यहाँ पर किसको चुना गया है 8 फरवरी को? मनोज आहूजा है, रविंदर सोनी है, राम प्रकाश है, या आनंद पांडे है? सर ने प्रश्न पूछा है एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, तो हमारे यहाँ पर वेलफेयर, फॉर्मर वेलफेयर भी बनाए गए और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी बनाए गए हैं फरवरी में। तो हमारे गीता मतानी जी वेलफेयर में बनाई गई है और यहाँ पर बने हैं मनोज आहूजा यहाँ पर बनाए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के तौर पर। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एसएससी बेटा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन बनाएगा? बहुत बढ़िया बेटा प्रश्न आपके सामने, फरवरी में ही इनका परिवर्तन हुआ है और भैया अपने चेयरमैन का नाम एसएससी
या हमारे अगर कोई भी कमीशन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारे लिए आ जाता है। तो यहाँ पर जनता बोलिए एस किशोर के ऊपर टिक करिए, नंबर मिल जाएगा। तो गाइस जितने भी फरवरी में इंपॉर्टेंट हमारे अपॉइंटमेंट हुए उनका जिक्र चल रहा है, जितने भी हमारे साथ नए बच्चे बने हुए जरा यहाँ पर देख करके जवाब देते चलेंगे। एस किशोर साहब हमारे क्या बने, SSC के चेयरमैन बने, बहुत बढ़िया बाबू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे फरवरी 2022 में, बेटा दिसंबर आएगा तो कुछ और टिक करना है, फरवरी आएगा तो फरवरी में हमारे बैंड एम्बेसडर किसको बनाया गया है उत्तराखंड का? शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, ऋतिक रोशन है या सैफ अली खान है? फिर से एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके सामने। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड जो हमारे उत्तर प्रदेश में से अलग होकर के 2000 में बना था, यहाँ के हमारे बनाए गए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, मतलब इनको खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। काफी शानदार तरीके से प्रश्न आने वाला है गाइस। फिर से पहली महिला का नाम जब भी आएगा हमारे क्वेश्चन पेपर में, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमारे JNU की, मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनाई गई है निवेदिता मेनन है, शांति श्री धूलपड़ी है, यहाँ पर शर्मिला रेंगे हैं या मीना कादासामी है। गाइस देखिए हमेशा चांसलर होता है हमारे देश के राष्ट्रपति, जो नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज होती है और हमारे देश के जो स्टेट लेवल की होती है उनके गवर्नर होते हैं। तो सर ने प्रश्न पूछा है कि वाइस चांसलर JNU की कौन है, जनता याद रखेगा ये हमारे शांति श्री धूलपड़ी। तो शांति श्री धूलपड़ी जितने बच्चे बोल रहे हैं उनको नंबर मिल जाएगा, जिन्होंने जगदीश कुमार जी को रिप्लेस किया। किसको? जगदीश कुमार जी इसके पहले थे जो हमारे कहां पर UGC के चेयरमैन बना दिए गए हैं, UGCCC, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है, आप लोगों को बधाई हो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हमारे यहाँ पर सारनाथ गांगुली है, पुष्प कुमार जोशी है, दयाल सिंह मंजीठिया है या शांतिलाल जैन है? ये देखिए बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जनता बोली है सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हमारे जो चेयरमैन बनाए गए उन बच्चों ने यहाँ पर बोला है सर पुष्प कुमार जोशी होना चाहिए। तो पुष्प कुमार जोशी जी का जोश से स्वागत के लिए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है। तो जोशी साहब जी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे, मतलब विनीत जोशी जी के बाद ये भी हमारे जोश में रहने वाले हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का हमारे जो मुखिया बने हैं वो है पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है सियोमारा कास्त्रो, ये देख लीजिएगा भैया एक बार सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाम क्या है? सियोमारा कास्त्रो। ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? निकारंगुआ है, इक्वाडोर है, होंडुरस है या हैती है? तो भैया कई लोग निकारंगुआ करके टिक के आ जाएंगे। तो ये हमने जनवरी में पढ़ा हुआ था निकारंगुआ, तो यहाँ पर नहीं होगा निकारंगुआ। सही जवाब है होंडुरस की। तो सियोमारा कास्त्रो होंडुरस की बनी हुई है। तो याद रखिएगा ये पहली महिला राष्ट्रपति है, एग्जाम में जरूर ठोकेगा। मिया मतोली जो है, मिया मतोली हमारे कहां पे बनी है? मुताली। ये हमारी निकारंगुआ की जनवरी में बनी थी। दोनों में से बेटा दोनों आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, एक किसी और सेट में आएगी, एक किसी और सेट में आएगी। लेकिन तुम लोग इनको सेट कर दोगे कि नहीं? एग्जाम में आएगा, सेट कर दोगे। होंडुरस की सियोमारा कास्त्रो है और निकारंगुआ की मिया मतोली है। अरे यार तुम लोग सेट करोगे कि छोड़ दोगे? सर हम नहीं सेट कर पाएंगे, हमारे लिए कठिन क्वेश्चन है। करोगे कि नहीं करोगे? जनता बोली सर कर लेंगे, याद है भैया दोनों याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं, आगे किसी और क्वेश्चन को सेट करते हैं। यहाँ पर है ब्रिटानिया, शायद आप लोगों ने बचपन से इसका नाम सुना होगा। ब्रिटानिया की पोस्ट, ब्रिटानिया लिमिटेड की नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर किसको चुना गया है? उर्जित पटेल है, वीरल आचार्य है, माइकल पेंट्रा है या हमारे विमल जालान है? बहुत बढ़िया तरीके से जनता टिक कर रही है। 350 में बेटा 14 बच्चे कम है, अगर आप लोग यहाँ पर थोड़े जग जाएंगे, थोड़े अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे तो वो आंकड़ा जो है वो हो जाएगा। और ये बहुत शानदार प्रश्नों का समागम सर लेकर के आए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है। तो भैया जग जाइए, अगर चैन से सोना है जिंदगी में, नहीं तो यार फिर चैन से सोइएगा क्वेश्चन लाने के बाद। आज कोई भी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास हमने लगाई नहीं हुई, इंतजार कर रहे भैया बच्चा गर्दा उड़ा दे एक बार सभी। यहाँ पे जनता बोली है सर उर्जित पटेल होना चाहिए। उर्जित पटेल जी जो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर साहब थे, अब ये अपना काम कर रहे हैं आराम से, प्राइवेट फर्म ब्रिटानिया में जाकर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए। तो भैया आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है CGA, हमारे यहाँ पर CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बनी है? दीपक दास जी को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। दीपक दास जी जो अगस्त में बने थे, इनका कार्यकाल 6 महीने में ही खत्म हो गया और इनकी जगह पर कौन आ गई? जनता बोले है सर हमें बहुत अच्छे से याद है, सोनाली सिंह जी के बारे में आपने बताया था, हम यहाँ पर एक नंबर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, भाग जाएंगे, सबसे आगे निकलेंगे रेस में। तो सोनाली सिंह जी के ऊपर टिक किया, आगे बढ़ गए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। भैया बहुत बढ़िया ये चेहरा है, आप लोगों ने इनके बारे में काफी जानकारी बताई थी। दिशा पटानी है, इलियाना डैक्रूज है, आलिया भट्ट है या श्रद्धा कपूर है, ये मैंने ऐसे गोला बना दिया है। सर ने पूछा बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, बहुत बढ़िया तरीके से जनता टिक कर रही है कि सर सही जवाब होना चाहिए दिशा पटानी। दिशा पटानी जितने लोग बोल रहे हैं उन बच्चों का जवाब 100% सही है। देखिए बच्चों को इसीलिए मैं मन से पढ़ाता हूँ कि मैंने बच्चों से एक रिक्वेस्ट की थी, 350 बच्चे हो गए 6:30 बजे, बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरीके से जोश और जुनून भरते रहिए। तो आपको बताना है कि इंडिगो के एमडी कौन बने। बेटा ये एयरलाइंस कंपनी है जिनका रिजाइन हो गया था फाउंडर का, उनके एमडी किसको हमने बना दिया था बाद में, राहुल भाटिया, प्रेम बजाज है, सुनील मित्तर है या हर्षदीप सिंह है। तो सर ने बोला कि सर आपने जो बताया था अभी हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत जा रहा है, लेकिन इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर राहुल भाटिया के ऊपर टिक करना है। भाटिया साहब हमारे इंडिगो के एमडी बना दिए गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार है आप लोग, है ना। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे। अगर एनसीईआरटी की बात करें, अगर यूपीएससी निकालना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, अगर आपको ग्रुप डी निकालना है तो 9-10 की एनसीईआरटी की साइंस के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो भैया कौन बनाए गए हैं यहाँ पर, सकलानी साहब है, नागेश्वरन है, आचार्य साहब है या राव साहब है। तो भाई देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी के हमारे जो बनाए गए हैं क्या हमारे डायरेक्टर, तो संकल्प के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, संकल्प। तो भैया मैं तो सकलानी साहब जी के ऊपर जाऊंगा। गाइस जिंदगी में हर चीज रट्टा मारा जाए जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को आपको अपने कॉमन सेंस, अपने बुद्धि, अपने विवेक पर करना पड़ता है। तो गाइस इसी तरीके से सकलानी साहब जी का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमारे कौन बनाया गया है 5 सदस्यों में एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन। 5 सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, उसके चेयरमैन कौन है, आशीष कुमार है, सुनील अरोरा है, सुनील शर्मा है या राकेश अस्थाना है। सर ये प्रश्न तो थोड़ा सा कठिन आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए आशीष कुमार चौहान, ये बनाए गए हैं हमारे, ठीक है, हमारे एनआईटी और आईआईएम के विशेष कमेटी के चेयरमैन। अच्छा गाइस एक बात बताइएगा, पावर सिस्टम ऑपरेशन जिसको आप लोग पॉस्को बोल रहे हैं, इसके चेयरमैन और एमडी के तौर पर आप किसको देखेंगे। सर देखिए क्या है पॉस्को, ये पॉस्को एक्ट नहीं है, ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, को ऑपरेशन लिमिटेड है, आप बताइए ऑपरेशन कॉर्पोरेशन। यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए एसआर नरसिम्हन। तो एसआर नरसिम्हन जितने बच्चे बोल रहे हैं नंबर लेकर के भाग जाएंगे, नरसिम्ह भगवान का साक्षात रूप है ऐसा लग रहा है। अच्छा गाइस एक बात बताइए, यूजीसी के चेयरमैन क्या तुम लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यहाँ पर अनिल बजाज है, एम जगदीश कुमार है, प्रफुल्ल हमारे खोड़ा राय है या किशोर नारायण है। गाइस पहले ये जेएनयू में जो है जेएनयू में हमारे काम करते थे, वहां के ये हमारे वाइस चांसलर थे, लेकिन इनको मौका मिला कहाँ पर जाने का, यूजीसी में जाने का। बहुत बढ़िया से जनता ने टिक कर दिया यार, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे दिया है, एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार जितनी बच्चा बोल रहा है सबको नंबर मिलेगा और आगे बढ़ते हैं। गाइस एक हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया गया 2017 में, इसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, भैया जो पैसा लेकर के भाग जाते हैं उनसे पैसा निकालने का काम। 2017 में ये हमारा बनाया गया था, बैंकिंग एग्जाम में तो हर बार ये पूछा जाता है फुल फॉर्म, लेकिन इसके चेयरमैन कौन है, गुरदीप सिंह है, पवन मुंजाली है, टीवीएस नरेंद्रनी है, रवि मित्तल है या अभिनव कुमार है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे। जनता बोलेगी सर इस प्रश्न की तरफ अगर हम जाना चाहेंगे तो सिर्फ एक ही नाम हमारे सामने आ रहा है, रवि मित्तल, मित्तल साहब सबके यहाँ जा करके पैसा निकालेंगे, तो मित्तल, रवि मित्तल के ऊपर टिक करना है और नंबर लेके चले जाना, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार है आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बताइए डायरेक्टर जनरल ऑफ हमारे डिफेंस इंटेलिजेंस, बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है ये, देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस कौन बनाया गया है, यहाँ पर आपको बताना है लेफ्टिनेंट जनरल जीबी रेड्डी है, सीपी मोहंती है, मनोज पांडे है या उपेंद्र द्विवेदी है। भाई साहब जल्दी से बता दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट देते, बहुत छोटा सा टारगेट है, 6:40 पर हम चाहते हैं कि हम सभी लोगों का जो अकाउंट है वो 380 बच्चों के साथ भर जाए, है ना, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को टिक करके बैटिंग करना है। तो यहाँ पर जनता बोल रही है कि सर 7 मिनट बाकी है, हम लोग कोशिश करते हैं, सब आप ही लोगों को कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जी ए बी रेड्डी जितने लोग बोल रहे हैं उन बच्चों को नंबर मिल जाएगा, ये हमारे देश के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के क्या बन गए, डायरेक्टर जनरल बन गए, बहुत बढ़िया। गाइस एक और अच्छा डिफेंस से क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर जी पूछ रहे हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के कौन बनाए गए, ठीक है,
कमांडिंग इन चीफ जो है वो हमारे नॉर्दर्न कमांड के कौन बनाए गए। यहाँ पे सीपी मोहंती है, मनोज पांडे है, राम शर्मा है या उपेंद्र द्विवेदी है। तो भैया यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन होता हुआ बच्चों को दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें टिक करना है द्विवेदी जी के ऊपर। यूपी मतलब हमारे उपेंद्र द्विवेदी जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न, देखिए यहाँ पर उत्तर भी आ गया, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे। एक और क्वेश्चन जो आने वाला है, जनवरी के अंत में था इसलिए हमने इसको फरवरी में रख लिया है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है एची एंटोनियो कोस्टा, या देखिए नाम देखिएगा एची एंटोनियो कोस्टा, ये कौन से देश के प्रधानमंत्री ठोके गए हैं? ये पुर्तगाल के, स्पेन के, इटली है या बेल्जियम है? बढ़िया से जवाब देना बेटा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस प्रश्न के पीछे नहीं पड़ेगा, सभी लोगों को इस प्रश्न के पीछे पढ़ना है। जनता यहाँ पे बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए पुर्तगाल के, ये हमारे बारे पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, ठीक है लिस्बन यहाँ की कैपिटल है, आपको ये भी याद रखना है। गाइज स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है, मैड्रिड, मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। इटली की कैपिटल रोम है। बेल्जियम की कैपिटल बेटा यहाँ पे ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स में बेल्जियम की कैपिटल है। गाइज यहाँ पर आप लोग एक नाम सुन रहे होंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो बेटा यहाँ पर हमारे देखिए ये हमारा अमेरिकन कंट्री है और ये यूरोपियन कंट्री है ना, तो यूरोपियन कंट्री 28 यूरोपियन कंट्रीज और दो अमेरिकन कंट्री कनाडा और अमेरिका यूएसए ने मिलकर के ये अटलांटिक ओशियन के ये हमारा बना लिया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाटो। कब बनाया गया था बेटा? 1949 में, याद कर लेना 1949 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसेल्स में है। कितने कंट्रीज में? तो 28 यूरोपियन कंट्री है और दो अमेरिकन कंट्री है। एक बार बोल देना सभी लोग हर हर महादेव, अगर सबको याद हो गया है जल्दी से यहाँ पे जय हिंद लिख देंगे, हर हर महादेव जो है वह मन में बोलेंगे, जय हिंद लिखेंगे सभी लोग। 28+2 1949 में बनाया गया था, ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर है। याद हो गया कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है कि सर हमको याद नहीं हुआ, याद हो गया। चलिए आगे ही तब चलते, पूछा जाएगा कब बनाया गया था क्योंकि आजकल काफी चर्चा में है ना। हमने बोला था कि 40 पर हमको 380 बच्चों का अकाउंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए कि हमारे यहाँ पर वुशु स्टार चैंपियनशिप मॉस्को में किसने जीती है? यार ये लगता है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारी कौन है? सादिया तारिक है, दीपिका पल्लिकल है, मैरी डिसूजा है या सैफाली वर्मा है? जल्दी से बता दी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपकी चल रही है फरवरी की। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सर सही जवाब होना चाहिए बिल्कुल। तो हमारे सादिया तारिक, आप लोगों को नाम भी याद है, वो जो वुशु होता है ये मिक्स मार्शल आर्ट फॉर्म टाइप का होता है। यहाँ पर जितने लोग एक नंबर बोल रहे जवाब सही है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय भारत में आया था हमारे भारत का में किसके सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में कौन आया था है ना? तो यहाँ पर फैक्सियान है जिसको हम लोग फाहियान बोलते हैं, मेगस्थनीज है, यहाँ पर ज्वेनजेंग है या सात्राबो है। तो यहाँ पर जनता कितने 17% लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया हुआ है, ठीक है। तो जवाब क्या आना चाहिए? जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए मेगस्थनीज। जितने लोग यहाँ पर मेगस्थनीज के ऊपर टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ही हमारी पूरी एक फिजिकल स्मार्ट बुक है जिसको आप मैथ इंग्लिश रीजनिंग सबके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर टीटीए मतलब हमारा टाइम टू आंसर दिया गया 12 सेकंड में, मैथ और रीजनिंग में ये काफी इफेक्टिव रहेगा। स्पोर्ट्स की खबरें शुरू हो रही हैं, सभी बच्चे यहाँ पर एक बार देख लेंगे स्पोर्ट्स में जो लोग पहुंच गए हैं यहाँ तक, जिन लोगों ने 38 मिनट तक का वीडियो देख लिया है वो यहाँ तक पहुंच गए और शानदार तरीके से वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब फरवरी महीने में कौन कौन से स्पोर्ट्स की खबरें हुई हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं, तो एक बार सभी लोग पूरे वीडियो को देखिए और मजे मारिए, मजा मारना है, ठीक है। आवाज स्लो आ रही है क्या मेरी? यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बोले सर आपकी आवाज स्लो आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, आवाज स्लो आ रही है, आवाज स्लो आ रही है क्या? पूरे कान में फट रही है। चलिए तो भैया जिनको जाना है वो जा भी सकते हैं, जिनको यहाँ पर टिक के बैटिंग करना है वो टिक के बैटिंग भी करिए, लेकिन पीडीएफ इस क्लास की मैं नहीं दूंगा, इस क्लास की पीडीएफ जो है वो नहीं दूंगा, पहले सुन लो, आपको यहीं पर रिविजन करना है, ठीक है, ताकि पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स की खबरों को। फरवरी 2022 में हमारे सॉरी फरवरी में आयोजित होने वाले पहले केरल ओलंपिक खेलों का हमारा जो है वो रीशेड्यूल कब किया गया है? केरल ओलंपिक पहली बार हो रहा है, इसको रीशेड्यूल किया गया मई में, अप्रैल में, जून में या मार्च में, क्या होना चाहिए? तो कोविड की वजह से ये हमारा रीशेड्यूलेशन हुआ था, फरवरी में होने थे लेकिन अब ये होंगे मई 2022 में। यहाँ पर मई लिख देते हैं, मई में ये हमारे होंगे 2022 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपको बताना है, लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है?
लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा है, विराट कोहली है, श्री आर पी आर सृजेश है, या हमारी मित्तल साहब है? तो यहाँ पर जनता ने फिर से बोलना जवाब दे दिया है कि सर सही उत्तर होना चाहिए, हमारे नीरज चोपड़ा जी को ये दे दीजिए इनाम, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू ऑफ ईयर यही इन्होंने दिलाया है इंडिया में जो ठेका था। हमारे 10 फरवरी को ये डिसीजन लिया गया है कि रणजी हमारे कितने चरणों में होगी, 1, 2 या 3, 4। अभी आप लोग देख रहे होंगे रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर कितने चरणों में होनी ये आपको बताना है। यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए 2, 2, 2। जितने लोग यहाँ पर 2 जवाब दे रहे हैं उनको यहाँ पे नंबर मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग 2022 में शीतकालीन ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत इनमें से कौन से पहले 3 धावक करेंगे? हमारे यहाँ पर बीजिंग ओलंपिक खत्म हो चुका है, कौन से 3 धावकों ने शुरुआत की थी? तो यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ, जियो जियाहुआन, जिंग हाइपिंग ने की थी, ले पेंग जांग ने की थी। तो ये तीनों ने मशाल की शुरुआत की थी, ये चाइना में हमारा हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है हमने इनमें से किस अफ्रीकी देश ने पहला अफ्रीकी कप जीता हुआ है क्रिकेट का, सॉरी फुटबॉल का? सेनेगल है, रोमानिया है, इजिप्ट है या सूडान है, किसने पहला अपना अफ्रीकन कप जीता हुआ है? तो गाइस यही बोला था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई बार फाइनल में बेचारा सेनेगल हार गया था, लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी की और इजिप्ट को ये बता दिया कि उसमें है दम, क्योंकि है वो बाजीराव सिंघम। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सेनेगल सही जवाब है। इनमें से कौन सी टीम फरवरी में 1000वां ODI इंटरनेशनल खेला? यहाँ पर है हमारा वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है या श्रीलंका है? तो गाइज यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं सर हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिया ने यहाँ पर खेल करके पहली बार रिकॉर्ड बना लिया है। किसके खिलाफ ये हमारा टूर्नामेंट खेला गया था, जरा आप ही लोग बताएंगे ये किसके खिलाफ टूर्नामेंट खेला था ये। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, AFC महिला एशिया कप खिताब हमने जीतने वाले दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया था। AFC महिला टूर्नामेंट जो कि मुंबई में हुआ था, हमने आपको बताया भी था है ना, ये आपको बताना है कि दक्षिण कोरिया को किसने हरा करके ये टूर्नामेंट जीता है फुटबॉल का? जापान है, चाइना है, इंडोनेशिया है या भूटान है? तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ने 1000वां टेस्ट मैच खेला था। बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरीके से जवाब देना है। यहाँ पे जनता बोली है सर चाइना होना चाहिए, चाइना इज राइट आंसर। चाइना जितने लोग बोल रहे हैं ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था? इंडिया में ही ये टूर्नामेंट हुआ था, ये भी हमको याद रखना है। AFC वुमेन्स एशिया कप चाइना ने जीता कोरिया को हरा करके। अगला क्वेश्चन है, टाटा ओपन महाराष्ट्र में जो हुआ है इसको किसने जीता है? कई बार हमने आपको बताया हुआ टेनिस का ये टूर्नामेंट यूकी ने, रोहन बोपन्ना ने, सुमित नागल ने या पूरब राजा ने? तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा था कि रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन सही जवाब होना चाहिए। 2 नंबर जवाब देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किस शहर में विश्व का 3रा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? बेटा पहला नहीं, दूसरा नहीं, 3रा ये स्टेडियम है, अहमदाबाद, जयपुर, मोहाली या रांची? सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा का अहमदाबाद में, फिर ईडन गार्डन आ जाता है और फिर आप लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे टिक करना है। गाइस अभी तक हम लोग 380 नहीं हुए, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ बेटा, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को सपोर्ट और प्यार नहीं बनाना है तो भैया प्रश्नों की श्रृंखला को बंद कर दिया जाएगा बीच में, बहुत सारे प्रश्नों के अलग अलग आए हैं। तो भैया ये नंबर याद रखिएगा जो दिया जा रहा है, आप लोगों को उसको फॉलो करना है जो नए बच्चे आ रहे हैं, नहीं तो आपके चक्कर में बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। जयपुर में ये बनाया जा रहा है, ठीक है ना, अहमदाबाद, ईडन गार्डन, कलकत्ता, जयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे सुरगना लखमल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रही है, कौन से देश से खेलते थे? श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका? जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे जनता बोले सर जवाब होना चाहिए हमारा श्रीलंका के, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है ये, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस ने ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए इनमें से किस खेल को शामिल कर लिया है? अब यहाँ पे हमारे ओलंपिक में ये भी गेम दिखाई देगा। तो भैया अब हमारा देखिए 2020 का ओलंपिक समाप्त हो गया है, डिले हुआ था, टोक्यो में हुआ, 2024 का ओलंपिक पेरिस में होना है, कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में होना है, और उसके बाद से 2028 के ओलंपिक की बात करेंगे तो लॉस एंजलिस में होना है, जिसमें कुछ नए खेल शामिल किए गए हैं जिसका नाम है 1, 2, 3। ये तीनों हमारे शामिल किए गए हैं, कौन कौन सा है? सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, ये सभी को शामिल किया गया है। जल्दी से यहाँ पर जनता ने देख लिया और जवाब दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ले में किस टीम में 15वीं CFC कप महिला आइस हॉकी टूर्नामेंट को जीत करके इतिहास रच दिया? या कांजी है, खारू है, लालोक है, आइस हॉकी है? तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर महिला की बात करेंगे तो हम खारू की टीम के ऊपर टिक करके नंबर लेके भाग जाएंगे। तो हमारा ICC हमारा जो आइस हॉकी टूर्नामेंट है वो लद्दाख में हुआ था, लद्दाख की राजधानी लेह में, जिसको खारू ने जीता हुआ है। अगर हम बात करेंगे
साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 56वीं कहां पर होने वाली है? नागालैंड, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है। बहुत बढ़िया, ये चैंपियनशिप थी और आप लोगों ने बताया था सर ये 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है जो नागालैंड में आयोजित की गई है। बेटा नागालैंड जितने बच्चे बोले नंबर बहुत बढ़िया तरीके से लेकर के जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स एक वर्चुअल स्पेस बनाया गया जहां पर जाकर के अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि स्टेडियम पे मैच नहीं देख पाते हैं तो आप यहां से भी अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। किसको? यहां आपके सामने इतने सारी टीम लिखी हुई है, जनता यहां पर बोली है सर एक नई टीम शामिल की गई है इस बार आईपीएल में। वैसे तो दो की गई है, लखनऊ और गुजरात, लेकिन यहां पर गुजरात टाइटंस के ऊपर टिक करो, नंबर मिल गया, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पहली बार हमारे यहाँ पर 2023 में जो ओलंपिक समिति की मेजबानी कर रही है बंबई, इसके पहले भी एक बार हमारे यहाँ पर मेजबानी मिली थी, कब थी? 71 में, 75 में, 89 में या 1983 में? दोस्तों आज मेरा केवल यही लेक्चर है तो सपोर्ट कर दो इसमें सब लोग मिल करके, है ना। यहाँ पर यार नंबर बहुत बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, जो रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास में आते हैं। तो संडे को मैंने बोला था कि क्लासेस नहीं लूंगा, लेकिन तुम लोगों की डिमांड पर ये क्लासेस रखी है कि सर फरवरी के चलो एक बार रिवीजन करा दीजिए। तो यार अभी देखो 360 बच्चे देख रहे हैं, हम सोच रहे थे कि कम से कम 500 बच्चे आ जाएंगे 45 मिनट के अंदर, तो ये थोड़ा सा एक मतलब बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ इस क्लास के लिए, समझ रहे कि नहीं। और जिनको जाना है मैं एकदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वो जा भी सकते हैं, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है ना। तो जिनको रुकना है, टिक करके बैटिंग करना है, वो खेलते रहे बढ़िया तरीके से, अभी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर 1983 जितने बोल रहे हैं ओलंपिक का सत्र की मेजबानी की गई थी, वो बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं, 4 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा एक बात बताइए, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में चाइना को कितने पदक मिले हुए हैं? चाइना ने टोटल कितने मेडल जीते हुए हैं? 9 है, 12 है, 15 है या 18 है? बेटा बीजिंग ओलंपिक खत्म हो गया सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर चाइना के अगर बारे में पूछ लिया, नॉर्वे को मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, नॉर्वे नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर जर्मनी आ जाता है और नंबर 3 पर हमारा कौन सा है? चाइना है। तो चाइना ने टोटल हमारे मेडल जीते हुए 15, जिसमें से 9 गोल्ड है, लेकिन ये ओवरऑल कौन से नंबर पे? ओवरऑल ये 30 नंबर पे, नॉर्वे नंबर 1 पर है 27 मेडल के साथ, 27 मेडल के साथ नॉर्वे नंबर 1 पे है। अरे बोली नहीं रहो बच्चा, बात चमकी की नहीं चमकी। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, इनमें से भारतीय कंपनी ने फरवरी 2022 में T20 लीग के लिए दुबई का फ्रेंचाइजी खरीदा हुआ है, दुबई फ्रेंचाइजी के को खरीदा है, वो कौन सा है? जीएमआर ग्रुप, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, अडानी पावर है? तो यहाँ पर जनता बोली है कि सर दिल्ली कैपिटल के मालिक ये जो है वो दुबई में भी जाकर के अपनी टीमें खरीद रहे हैं, मतलब ये जो है शेर के मुंह में खून लग जाता है तो शेर शिकार करता है। तो दिल्ली कैपिटल के मालिक है जीआर ग्रुप वाले, और इन्होंने ही हमारे दुबई फ्रेंचाइजी को खरीद करके वहां पर भी पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खूब कमा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने हमारे रिप्लेस कर दिया सेंट पिट्सबर्ग को, कहाँ पर? ये सेंट पिट्सबर्ग कहाँ पर? रशिया में है, अब यहाँ पर ये टूर्नामेंट नहीं होगा, कहाँ पर होगा? पेरिस, ब्रसेल्स, लंदन या म्यूनिच में? तो जनता बोली है सर बूमा बूम चल रहा है जिस तरीके से रसिया के बीच में जिस तरीके का बूमा बूम चल रहा है यहाँ पर, अब ये टूर्नामेंट पेरिस में हमारा किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिंगापुर इंटरनेशनल में हमारे यहाँ पर जो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेकर के आई वो कौन है? मीरा भाई है, स्वाति सिंह है, कुंजा रानी है या कर्णम मलेश्वरी है? क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बना दिया। यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होने चाहिए, सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए मीरा भाई चानू। जितने लोग यहाँ पर मीरा भाई चानू बोल रहे हैं उन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, मीरा भाई चानू यहाँ पर सही उत्तर है, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में हमारे पूरे इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते हैं? 4 है, 6 है, 8 है या 10 है? तो गाइज यहाँ पे मीरा भाई चानू ने सबसे पहला जिताया था, 55 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने टोटल 191 किलो उठा करके रिकॉर्ड बनाया था। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हमने 8 मेडल जीते हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हो आप लोग। तो गाइज ये स्पोर्ट्स की खबरें थी, बजट की तरफ अगर जाना है तो 380 बच्चे लेकर के यहाँ पे आते हैं, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, जिनको जाना है वो जाए, जिनको रुकना है रुके। मैं चाहता हूँ बजट के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने आने वाले, काफी शानदार तरीके से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसी तरीके से आप क्वेश्चनों को बनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फरवरी मंथ के पूरे रिवीजन आपके चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम, चाहे आप डिफेंस का दो, पुलिस का दो या आप अपने एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी यहाँ पे आने वाले प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको लगेगा कि सारा प्रश्न यहीं से आया हुआ है, सर एग्जाम से पहले कैसे रिवीजन करेंगे, इतना पीडीएफ कर खोजेंगे? तो भैया यही हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूं पूरा वीडियो देख लो, पहले से तुमको चीजें रटी होनी चाहिए।
अच्छा तुम लोग चाहते हो हम पीडीएफ दे दे, पीडीएफ देने से ये होगा ना बहुत सारे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे लाइव उनको फिर नुकसान हो जाएगा, तो वीडियो देखेंगे तो ही आपको थोड़ा सा अच्छे से होगा, क्यों भाई सही बोले ना। चलिए तो भैया यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है जिसका हमारा मेंटेनेंस इंडियन रेलवे करेगा, 15,710 करोड़, 25,710 है, 35,052,710 है, क्या होना चाहिए फ्रंट हमारे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो कि हमारे अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं मालगाड़ी के लिए, वो कौन है? हाँ सानिया ठीक सुन लिए, दे देंगे पीडीएफ ठीक है सुन लिए तुम्हारी बात, यहाँ पे होना चाहिए 15,710.44 करोड़ हमारे एलोकेट किए गए। गाइस याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो रेलवे की सबसे मुख्य बात है कि इस साल 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी हमारे इंडिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पर 2022 में स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, 13,700, 11,700, 10,700 या 700 करोड़, ये देखिए फिर से क्वेश्चन मार्क आपके सामने है, लगाते चलिए प्रश्नों को, यहाँ पे जनता बोल रही है सर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, मुझे भी लग रहा है सही जवाब होना चाहिए, 13,700 करोड़ ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए पैसा आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनाइए, एज पर यूनियन बजट 2022 इंडिया प्रोवाइड एज अ डेवलपमेंट असिस्टेंस टू द अदर नेशन, केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत जो है वो विदेशी जो पिछड़े देश है उनको कितना पैसा अनुदान देगा पूरे साल में, 72-62 है, 62-92 है, 82-92 है या 10,000 करोड़ है। यहाँ पे जनता बोलेगी सर अपने पास पैसा नहीं है, मैं यहाँ पे जो है बाप मरे अंधियारे में बेटा पावर हाउस, तो अपना पावर हाउस बने घूम रहे हैं, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए 6,292 करोड़ ये विदेश में देने का फैसला लिया है, तो आपको बजट के बारे में स्पेशल जानकारी होनी चाहिए। गाइस कल्चरल मिनिस्ट्री में हमारे इस साल कितना परसेंटेज बढ़ाया गया है, 11.9 है, 19% है, 12.9 है या 10.9%, कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए हमारे बजट का जो एलोकेशन है वो कितना परसेंट बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए 11.9% ये राशि कल्चरल मिनिस्ट्री ने बजट में बढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एब्रिडेशन सेंटर ये हमारा कौन सी सिटी में खोला जाएगा, ग्रेटर नोएडा है, गिफ्ट सिटी है गुजरात का, हमारे यहाँ पर बेंगलुरु है या गुरुग्राम है, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, तो जनता यहाँ पर बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया गिफ्ट सिटी, यहाँ पर ये खोला जाएगा इंटरनेशनल एब्रिडेशन सेंटर ये। अगला क्वेश्चन है, अमृत काल यहाँ पर देखिएगा, आजादी का अमृत महोत्सव हमारा अभी चल रहा है, तो गाइस अमृत काल को हमारे बजट में किससे संबोधित किया गया है, 70 साल से 90 साल, 75 से 100 साल है, 75 से 125 साल है या 75 से 80 साल, तो आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पे हम लोग मना रहे हैं, आप सभी लोगों को बधाई हो अमृत महोत्सव, लेकिन अगर हम लोग अमृत काल की बात करेंगे तो ये हमारे 75 से लेकर के आने वाले 100 साल, यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब है 2 नंबर, ठीक है ना, तो अमृत महोत्सव शुरू हो गया है, अब अमृत काल की शुरुआत होगी। गाइस अरे कहाँ गया प्रश्न, 2022 में हमारे कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, तो यहाँ पे पहले ही आंसर लिखा हुआ है 25,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, प्रश्न बाद में आ रहा है कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, 25,000 किलोमीटर ये हमारे नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। आपको बताना है कि एस्टिमेट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस साल हमारे यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कितना कर रही है, 18 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 13.68 लाख करोड़ या 10.68 लाख करोड़, भैया कितना पैसा खर्च कर रही गवर्नमेंट, यहाँ पे जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए हमारा 10.68 करोड़ ये हमारा है इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा उड़ा रहे हम लोग इतना, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये हमको याद रखने है, बाकी का बजट के ज्यादा डिटेल में प्रश्न आपको अटैच कर दिए जाएंगे। प्राइज एंड अवार्ड्स, फरवरी में जो हमारे प्राइज और अवार्ड्स दिए गए हैं उनके ऊपर यहाँ पर हम लोग पूरा बातें करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बाकी का बजट का जो हमारा आपको मैंने पूरा सा एक समरी दे रखी है आपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डायसन थॉमस पुरस्कार में
हमारे किसको सूचीबद्ध किया गया है? डायसन थॉमस प्राइस किसको दिया गया फरवरी में? निधि जाक को, नीलोत्पल मृणाल को, लूसीफर एनिस्टन को, जेक जूल को? यहां पर जनता बोली है सही उत्तर होना चाहिए, जितने लोग बोले निधि जाक या एंड एरिया ऐप को ये डायसन थॉमस पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड किसको दिया गया? मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी एनटीपीसी है, वेस्टर्न कोल फील्ड्स है, कोल इंडिया लिमिटेड है या गेल इंडिया है? यहाँ पर जनता बोलेगी सर सबसे ट्रस्टेड हमारी जो इंडियन कंपनी है वो यहाँ पर बनाई गई है, कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर तीन नंबर जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब उनको बिल्कुल सही मिलेगा। यहाँ पे आपको बताना है दादे साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के द्वारा धरती मित्र अवार्ड दिया गया है, इसमें और कौन सहयोग करता है? तो दादा साहब फाल्के और किसके सहयोग से धरती मित्र पुरस्कार दिया गया है? पांच किसानों को, ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, फ्यूचर बायोफूड है, नेचर बायोफूड्स है, दैट वाज अवादाता ऑर्गेनिक्स है या नॉरिस ऑर्गेनिक्स है? जनता यहाँ पर बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जितने लोग एक नंबर बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल एक नंबर है। अगला क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर कौन है? कनन साहब है, के वी कामत है, संदीप बख्शी है, पी वैद्यनाथ है, अभिनव कुमार है? सर ने पूछा है स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ ईयर किसको बनाया गया है? यहाँ पर जनता बोलेगी सर यहाँ पे सही जो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर जो बनाए गए हैं वह है संदीप बख्शी साहब, संदीप बख्शी जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कैटेगरी में हमारा ICAI का हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स है उसके हमारे कौन बनाए गए हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसने उसको अवार्ड दिया हुआ है, किसको अवार्ड दिया हुआ है इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए? यहाँ पर जनता बोलेगी सर ये अवार्ड जो है वो रेल टेल को दिया गया, जितने लोग यहाँ पर रेल टेल बोल रहे हैं बच्चे नंबर भी लेकर के जाएंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन है उनका, रेल टेल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जीवन रक्षा पदक सीरीज में हमारे को कितने मेडल दिए गए कर्मचारियों को, जो हमारे CISF के कर्मचारी है कितने मेडल लेकर के गए हैं? यहाँ पे जनता बोली 7, 11, 8 और 30 में अगर देखेंगे तो सही जवाब होना चाहिए, ठीक है यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए था 7 मेडल जो है ये लेकर के गए हैं हमारे जीवन रक्षा पदक में। DX 2021 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको दिया गया है? DX 20 ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कर्नाटका है, करूर है या धनलक्ष्मी बैंक है? तो गाइज यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए कर्नाटका बैंक को हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारे गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्राइज इस बार किसको दिया गया? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड है या राजस्थान है? तो यहाँ पे जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या की और झांसी की झांकी है उसके लिए यूपी को यह अवार्ड दिया गया है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं जितने लोग तीन नंबर जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप को सम्मानित किया है किसने? डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मनोज सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह संटी? तो क्या होना चाहिए? तो बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे कौन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसके हमारे बोल सकते हैं मिनिस्टर है, उधमपुर से जीत करके आया चुनाव। यहाँ पर इन्फोक्रिक ESPN इन्फोक्रिक में टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर किसको चुना गया? गाइस याद रखिएगा ICC ने किसको टेस्ट बल्लेबाज बनाया हुआ है, इन्फोक्रिक ने किसको बनाया हुआ है, गलत मत कर देना इधर का उधर नहीं। यहाँ पर जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए जो रूट ICC के टेस्ट बल्लेबाज है, हमारे ऋषभ पंत टेस्ट के क्रिकेट बल्लेबाज है इन्फोक्रिक में, इन्फोक्रिक ने यहाँ पे ऋषभ पंत को और ICC ने दिया है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कैप्टन ऑफ द ईयर कौन बने? केन विलियमसन, KL राहुल, विराट कोहली, बाबर आजम? तो कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे लगता है वन एंड ओनली केन विलियमसन को मिलना चाहिए, काफी अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 वर्ल्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड किसको दिया गया है? वन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR सजेस है, मनप्रीत सिंह है, हार्दिक सिंह है या वीरेंद्र लकड़ा है? यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर PR सजेस, जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है, ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स के बाद हम डिफेंस की बातें कर लेते हैं। डिफेंस में सबसे पहला था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवी शिप हैज बीन फॉर्मली इन्फिलेटेड ऑन द पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम,
इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज हमारे विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है? INS विशाखापट्टनम है, कराज है, करंज है, दिल्ली है या INS भोपाल है? यहाँ पे जनता बोलेगी सही उत्तर होना चाहिए हमारा INS विशाखापट्टनम, करेक्ट आंसर है। विशाखापट्टनम के ऊपर जाना है, नंबर लेके बढ़ जाना है। हमने यहाँ पर गार्डियन, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? फ्रांस, कोरिया, जापान या अमेरिका? धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है? जनता बोलेगी सही जवाब होना चाहिए जापान, जापान के साथ हम लोग धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कोबरा बैरियर बेटा कहाँ पर होने वाली थी लेकिन हमारे रसिया और यूक्रेन के बीच जो मिलिट्री का जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से इसको टाल दिया गया है? जनता बोलेगी सर ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है कोबरा वॉरियर, जो यूके में होने वाली थी बट इसको हमारे स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, मिलान जो 2022 में एक्सरसाइज होने वाली है ये कौन से राज्य में होगी? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात? 46 अलग अलग देश इसमें आकर के पार्टिसिपेट करेंगे और ये हमारे विशाखापट्टनम में होने वाली है। विशाखापट्टनम इज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय में इनमें से किस युद्ध टैंक के संशोधन के लिए BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ MOU के ऊपर साइन किया है? T-19 भीष्मा है, अजय है, K2 पैंक पेंथर है या अर्जुन टैंक है? क्या होना चाहिए दोस्तों इसका सही उत्तर? जनता बोले सर इसका सही जवाब होना चाहिए, मुझे भी लग रहा था T-90 भीष्मा जितने लोग बोल रहे थे जवाब उनका सही था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना को इनमें से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधक P-8I प्राप्त हुआ है? ये कौन सी हमारी कंपनी है जिससे P-8I प्राप्त हुआ है? एयरबस है, दैट वाज एमेगर है, बोइंग है या SpaceX है? अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ही आपको इस क्लास की PDF मिल पाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया है आगे जो लोग आएंगे शुरू में देख के चले जाएंगे उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, पूरा वीडियो जो देख रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। इस क्लास का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएगा जिसका आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो भैया जो यहाँ पे वाकई में सीरियस स्टूडेंट है उनको ही यहाँ पे हम आगे लेकर के जाने का काम करेंगे, जो टाइम पास कर रहे हैं, जो अपने मम्मी पापा के पैसे का बर्बादी करना चाहते हैं उनके साथ नहीं कोई टाइम पास होगा, उनको कंटेंट मिलने की कोई भी जो है वो संभावना नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे बोइंग जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, बोइंग इज राइट आंसर। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर जैसे ही 300 के नीचे आएंगे जैसे आंकड़ा पहुंचेगा क्लास बंद कर दी जाएगी और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हुए होंगे उतनी ही क्लास की PDF मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है आप लोगों का, फरवरी 2022 में प्रेसिडेंट कलर जो हमारे पैरासूट बटालियन को दी गई है वो कितने लोगों को? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? पैरासूट बटालियन प्रतिष्ठित जो हमारा पुरस्कार है ये हमारे कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पैरासूट बटालियन? यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए 4 पैरासूट बटालियन जो है वो यहाँ पे सम्मानित की गई है। रॉयल एयरफोर्स जोधपुर में ये इसके साथ एक एक्सरसाइज हुई जिसको हम लोग किस देश के साथ देखेंगे, ठीक है? कतर है, अमन है, ओमान है या सऊदी अरब है? रॉयल एयरफोर्स एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है 5 दिन की? यहाँ पे जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए ओमान, जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। तो ओमान की जो एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स के बीच में जोधपुर वायर हमारे जो एयरफोर्स स्टेशन है ये एक्सरसाइज हुई है। तो हम लोग कैसे युद्ध टैक्टिक्स होती है दूसरे देशों की ये समझने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को हमारे यहाँ पर शामिल किया गया वो कौन सी है? कोलकाता है, अरिहंत है, विशाखापट्टनम है या विशाल है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे इंडियन नेवी ने जिसको शामिल किया है अपने बोल सकते हैं कि खेमे में जो कि नाम है INS विशाखापट्टनम, इसको मझगांव डॉक में बनाया गया है और इन हमारे विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। यहाँ पे आपको बताया कि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है कहाँ पर? हमारे इंडियन आर्मी ने किस तरीके से टैकल करना है एडवर्स कंडीशन को ये बताया हुआ है कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में, चातबिया एयर स्पेस उड़ीसा है, हलवारा है, सुलूर एयर स्टेशन है तमिलनाडु में, क्या होना चाहिए? जनता जवाब दे रही है सर सही उत्तर होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड अंडमान एंड निकोबार, बिल्कुल सही जवाब है। जितने लोग यहाँ पर एक नंबर बोल रहे जवाब उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 फरवरी को भारत में पहुंचे हैं कौन? सऊदी अरब, यमन, ओमान और ईरान के कौन से सशस्त्र बल हिंदुस्तान में पहुंचे हैं? यहाँ पर जनता बोलेगी सर 14 फरवरी को हमारे यहाँ पर जो सशस्त्र बल इंडिया में पहुंचे हैं उनका नाम है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब उनका बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पर उनका जवाब बिल्कुल सही लग रहा है। गाइज एक काम करो, जिनको जाना है वो पहले यहाँ पे आराम से चले जाए, कोई यहाँ पे पूरा वीडियो देखोगे तो ही फायदा मिलने वाला है ना, पता चला पीछे से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो जिनको आराम से जाना है मैं इंतजार कर लेता थोड़ा सा, ठीक है, वो चले जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, चिल है।
चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे जनता बोली है। हाँ ठीक है, चलो टिक के बैटिंग करो सभी, ये सही जवाब है, टिक के बैटिंग करना चाहिए ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। सिंगापुर में एक एयर शो हुआ था फरवरी में, हम लोगों ने बात की थी, उसका नाम क्या, राफेल है, सुखोई है, तेजस है या मिग है। चलिए अब यहाँ पे सभी लोग जो जाने वाले थे चले गए, टिक के बैटिंग करने वाले लोग है जो एकदम धोनी की तरह चिल करके बैटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जनता बोले सर, सिंगापुर में जो हमारा एयर शो हुआ जिसमें हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं, जो HAL में बनाया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, वो गया। भाई साहब वो उड़ान इसने भरी है धमाकेदार तरीके से, तो तेजस जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। आपको बताना है यहाँ पे कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति के लिए हमने किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। HAL है, भारत डायनेमिक लिमिटेड है, मचगांव डॉक है या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, BEL है। यहाँ पर जनता बोले कि इसका सही उत्तर होना चाहिए भारत डायनेमिक लिमिटेड, BDL। जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, BDL। जितने जनता बोलेगी नंबर लेकर के जाएंगे वो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में कलवरी वर्ग के किस पनडुब्बी को यहाँ पर समुद्री परीक्षण के लिए तैनात किया गया। वागीर है, वेला है, खरंज है, खंडेरी है। यहाँ पर कलवरी वर्ग की कौन सी हमारी नेवी है जिसको यहाँ पर हमारा पनडुब्बी के परीक्षण के लिए रखा गया है। तो इस पनडुब्बी का नाम है हमारी वागीर। वागीर पनडुब्बी को हमने यहाँ पर परीक्षण के लिए अपना रखा हुआ है। भारत की पहली जो हमारी देसी पनडुब्बी है उसका नाम है अरिहंत। अरिहंत पहली देसी पनडुब्बी है, मतलब हिंदुस्तान के द्वारा बनाई गई पनडुब्बी, जानते हो ना, जो समुद्र के अंदर चलती है। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एजेंसी है, तो हो चुका है ना, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, है ना, ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल ने महिला फाइटर पायलटों को एक स्थायी रूप से शामिल किया है। मतलब पहली बार इस हमारे डिपार्टमेंट में भी महिला फाइटर पायलट जाएंगी। एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, नेवी है या आर्मी है। तो गाइज एयरफोर्स में हम लोगों ने देख लिया पहले से थी, नेवी में हम लोगों ने देखा पहले से थी, तो इंडियन एयरफोर्स में अब स्थायी बना दिया गया है, उनकी पूरी रेजिमेंट स्थायी होगी जो पूरी महिला पायलटों से भरी होगी, क्योंकि उनको अभी पता चल गया है कि महिलाएं जो हमारी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से किसी मामले में कम नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कारगिल वॉर के हीरो को हमारे यहाँ पर जिनको रिटायर हुए हैं 31 जनवरी 2022 को, उनका नाम क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल वीर चक्र से सम्मानित जोशी साहब है, CP मोहंती है, मनोज पांडे है या सूरज राणा है। यहाँ पे जनता बोलेगी जो हमारे कारगिल वॉर के हीरो थे जिनको यहाँ पर कीर्ति चक्र मिला है उनका नाम है VK जोशी साहब। यहाँ पर जोशी साहब जी का नाम लिख देते हैं, नंबर लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। VK जोशी साहब जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए, मोहंती जी, मनोज पांडे, विवेक राणा या सतीश गुप्ता। तो गाइस जैसे ही हमारे यहाँ पे वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टार हैज रिटायर पूछ रहे हैं भाई, रिटायर यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसको हमने स्किप कर दिया है। यहाँ पे जनता बोलेगी सर, CP मोहंती रिटायर हो रहे हैं और पांडे जी उनकी जगह ले रहे हैं, तो ये हमारे रिटायर मोहंती साहब होंगे, पांडे जी उनकी जगह लेंगे। ठीक है, इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं जो फरवरी में हमारे इंडेक्सेस आए उनके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला वर्ल्ड LEED सर्टिफिकेट ग्रीन बिल्डिंग, ये हमारे एनुअल में भारत का कौन सा स्थान है, LEED सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स में हमारे इंडिया का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। भैया ये तो पता नहीं होगा, सही जवाब है तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं ग्रीन बिल्डिंग हमारे बोल सकते हैं कि लिस्ट में। तो अगला क्वेश्चन है, सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम में हमारे सौभाग्य स्कीम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन किस राज्य में किया गया। देखिए सौभाग्य लक्ष्मी का मतलब है इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित है, जो हमारे डी इलेक्ट्रीफाइड क्षेत्र है उनको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए स्कीम आई थी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस राज्य को नंबर एक पर आप देखेंगे, तमिलनाडु है, असम है, राजस्थान है, बिहार है, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यहाँ पे जनता बोलना शुरू कर दिया है सर हमारे यहाँ पर जो टॉप पे कंट्री है सौभाग्य लक्ष्मी के तहत वो राजस्थान है, इसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। अगला क्वेश्चन है, डोज जॉन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में वेदांता अल्मीनियम की रैंक क्या है, वेदांता अल्मीनियम की रैंक पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है या पांचवी है। तो वेदांता अल्मीनियम को डोज जॉन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने जो रैंक दिया है वो है चौथी रैंक, फोर्थ नंबर पे आपको ये देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में
हमारे यहाँ पर कौन उन राज्यों और केंद्र शासित देशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां पर 2021 में पत्रकारों और मीडिया वालों को निशाना बनाया गया था। मतलब पत्रकारों और मीडिया वाले जहां पर जिस राज्य में सुरक्षित नहीं है वो कौन सा राज्य है? मेघालय है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना है या चंडीगढ़? ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मार्क बना दिया। यहाँ पे जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पर पत्रकार और मीडिया सबसे असुरक्षित महसूस करती है। गाइज यहाँ पर आता है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि 10 फरवरी को हमारा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर टॉप पे कौन सा कंट्री है। चलिए यहाँ पे जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हमारा जो टॉप पे कंट्री है उसका नाम है, बिल्कुल वहां पे इसका नाम है हमारा नॉर्वे। और इंडिया का रैंक अगर आपसे पूछा गया इंडिया का रैंक क्या है तो इंडिया का रैंक है 46। इंडिया 46वें नंबर पे, हम लोगों ने पढ़ा भी था, और नॉर्वे नंबर 1 पे है। यहाँ पे जारी टॉमटॉम जो रिपोर्ट है ट्रैफिक इंडेक्स में कौन सा शहर सबसे कंजेस्टेड शहर के रूप में, सॉरी इंडिया का सबसे कंजेस्टेड शहर कौन सा है? यहाँ पे जनता बोली सर इंडिया का जो सबसे कंजेस्टेड शहर है वो है हमारा बंबई जो कि हमारा शायद चौथे या पांचवें नंबर पे, ना पांचवें नंबर पे आता है पूरे इंडिया वर्ल्ड में। और पहले नंबर पे जो सबसे कंजेस्टेड है वो है तुर्की का इस्तांबुल से है। इस्तांबुल जो है इस्तांबुल सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे कंजेस्टेड है, और इंडिया में सबसे कंजेस्टेड मुंबई है, और ओवरऑल ये वर्ल्ड में पांचवें नंबर पे है। तो दोनों चीजें हमको याद रखनी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? यहाँ पर जनता अगर देखेंगे बेरोजगारी दर जो है वो गिर करके कितने परसेंट हो गई है, ये 6.57% हो चुकी है हमारी बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट गिर करके 6.57। मतलब अब हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम है, नहीं तो अभी बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। COVID-19 में डेथ के हिसाब से 5 लाख की पार करने वाला मृत्यु जो कि एक बहुत दुखद न्यूज है, तीसरा देश कौन सा बना है? भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया। पहले नंबर पे USA है, फिर हमारा आता है ब्राजील, और तीसरे पे बन गया है हम लोग आ गए इंडिया। ये काफी दुखद बात है, याद रखिएगा अमेरिका ब्राजील के बाद अब कौन आ गया है, हमारा इंडिया आ गया। तो कोई बात नहीं, बट हम लोगों ने अपनों को खोया है और ये काफी खतरनाक बीमारी है। अगर वैक्सीन डोज आपके लग चुके हैं, नहीं लगे लगवा लीजिए, अगर लग गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप सुरक्षित रहेंगे। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर इकोनॉमिक सर्वे। इनमें से स्टार्टअप कैपिटल कौन बन रहा है? दिल्ली है, बेंगलुरु है, बंबई है, या हमारा अहमदाबाद है? जनता यहाँ पर बोलेगी सर स्टार्टअप राजधानी जो पहले कभी बंगलुरु हुआ करता था अब ये हमारा कौन बन गया है, ये हमारा दिल्ली बन चुका है। दिल्ली ने यहाँ पर बाजी मार ली है इसको बंगलुरु को पीछे करके। बहुत बढ़िया बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सबमिट की बात कर लेते हैं, सर्वे के बाद सबमिट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देवायतनम ओडिसी की शुरुआत कहां पर की गई है? तो ये हम्पी में है, अयोध्या में, बनारस में, या ग्वालियर में? जल्दी से बताते चलेंगे। फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिविजन श्रृंखला जो है वो चल रही है, आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे हैं। और जनता यहाँ पे बोले सर सही जवाब होना चाहिए हम्पी, हम्पी कर्नाटक सही जवाब है, हम्पी यहाँ पे कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। Who delivered the inaugural address at the Energy and Resources Institute in the video conference? यहाँ पर जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसने संबोधित कर दिया है हमारे एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट को? यहाँ पर जनता बोलेगी सर आपने बोला था मोदी जी ऑप्शन में आ जाए तो और किसी को टिक करवाना ही करवाएंगे ही नहीं, है ना, मोदी जी ऑप्शन में है, मोदी जी टिक करके भाग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, री इमेजिंग म्यूजियम ऑफ इंडिया 15-16 फरवरी को जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद, बंगलोर, इंदौर या बंबई? क्या होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर? तो गाइस जो भी आपने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन आप लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं आप लोग, है ना। बस यही चर्चा का विषय कम रहेगा कि आप लोग जो 500-600 बच्चे आते थे वो यहाँ पर रिवीजन करने सारे लोग नहीं आए, ठीक है, तो ये चर्चा का विषय रहेगा हमेशा के लिए। हैदराबाद इज राइट आंसर, हैदराबाद जितने बच्चे बोल रहे नंबर लेकर के जाएंगे, हैदराबाद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 को वन ओशियन समिट के लिए हमारे किस शहर में शिखर सम्मेलन किया हुआ है? फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, या इटली है? जनता क्या बोलेगी? सर वन ओशियन समिट जो है ये जो हमारी हुई है ये फ्रांस में हुई है, जिसमें फ्रांस बोल रहे हैं, जवाब उनका सही है। सरकारी योजनाओं की बात कर लेते हैं, जो हमारी सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है,
कैबिनेट में फरवरी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए राष्ट्रीय रोल आउट के लिए कितने वर्ष चुने हैं, 5 है 4 है 2 है या 6 है। तो यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए जो भारतीय रोल आउट दिया गया है वो हमारे 5 सालों के लिए दिया गया है आयुष्मान भारत के लिए, आप लोगों को बताया बेटा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने कौन सी पॉलिसी चलाई हुई है जिससे कि वो फसलों की बीमा करेंगे। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी फसल मेरे हाथ, मेरी फसल मेरी पॉलिसी, मेरी हेल्थ मेरी पॉलिसी, क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे जनता बोलेगी सर इसका सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है सबकी पॉलिसी सबके हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने कृषि की निर्यात नीति की शुरुआत की, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र? कृषि नीति की जो है वो हमारी पॉलिसी की शुरुआत की है। यहाँ पे जनता बोली है कृषि नीति की अपनी तरीके की पहली शुरुआत करने वाला जो हमारा राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब सही है, अरे पंजाब नहीं है रे, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। आपको बताना है कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत किसने की है, भाषा सर्टिफिकेट जो सेल्फी अभियान है उसकी शुरुआत किसने की? बहुत बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है कि सर इसका सही उत्तर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितने लोग बोले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जवाब उनका बिल्कुल सही है, एक नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे आपको बताना है कि IVFRT योजना में हमारे 360 करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल आउटले दिया गया है वो हमारे 3, 4, 5, 6 कितने वर्षों के लिए दिया गया है, जल्दी जनता बताएगी। बहुत बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है, इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारे 5 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेशनल मीम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप किस वर्ष तक जारी रखा जाएगा, नेशनल मीम्स कम्स हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कितने वर्षों के लिए जारी रखी जाएगी? तो जनता ने फिर से जवाब देना, अच्छी तरीके से जवाब दे रही है, सही उत्तर होना चाहिए हमारा 25-26। ये तो 25-26 बोल रहे हैं, जवाब उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना 28 से लेकर के तक बढ़ा दिया गया है, फरवरी 2022, मार्च 2022, फरवरी 2023 या दिसंबर 2023? यहाँ पे जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया। यहाँ पे जनता जवाब दे रही है, ऐसा सही जवाब होना चाहिए हमारा फरवरी 2022 तक इस योजना को बढ़ाया जा रहा है, इतनी जनता बढ़ रही है, फरवरी 2022 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, CSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान को हमारे किस साल तक आगे बढ़ा दिया गया है? चलिए यहाँ पे जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए 31 मार्च 2000। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं। आपको बताना है कि हर जल नल के तहत हमारे यहाँ पर फरवरी तक कितने डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से पानी की सप्लाई पहुंचा दी गई है, 40 है 500 है 100 है या 1000 डिस्ट्रिक्ट, 24 घंटे पानी नल की सप्लाई पहुंचा दी गई है? जनता यहाँ पर जवाब दे रही है, सही उत्तर होना चाहिए, मुझे भी लग रहा है इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका 100 डिस्ट्रिक्ट जितने लोग बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 100 डिस्ट्रिक्ट वाले के वो नंबर लेके जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, तो आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे से पढ़ाई किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारे के सारे स्कीम, सारे के सारे जितने भी हमारे अपॉइंटमेंट है सब आप लोगों ने निपटा लिया है, तो आप लोगों ने ये पूरे मार्च भर में इसको अच्छे से रिवीजन भी किया होगा। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं या आप जो है टेस्ट बुक पास को एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास है ये देखिए कूपन कोड पंकज सी और पैक पास। ये आपके इतने सारे एग्जाम्स के लिए जो हमारे टेस्ट होते हैं, लगभग हमारे 31,000 मॉक टेस्ट है और 13.5 लाख हमारे दोस्तों के साथ अपने दे सकते हैं। ठीक है, चले दोस्तों, तो ये सारे के सारे स्कीम्स आपको और सारे के सारे अपॉइंटमेंट हमारे डिफेंस की जितनी भी चीजें हुई हैं ये आपको PDF के फॉर्म पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जितने हमारे बच्चे नए हैं टेलीग्राम चैनल पर जिनके पास अभी तक नहीं जुड़े, तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जा करके ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, आप सभी लोगों को ये जा करके ज्वाइन करना है, जिनको PDF चाहिए तो PDF आपको वहां पर मिल जाएगी फॉर रिवीजन, रिवीजन करने के लिए आपको PDF वहां पर मिल जाएगी। शानदार तरीके से जनता को ये सारा रिवीजन करना है, प्रश्न यहीं से आपके फरवरी में ज्यादातर बनने वाले हैं। बजट के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसका भी मैंने आपको एक छोटा सा समरी करके दिया हुआ है। चले गाइस, बाय गाइस, टेक केयर,